बॉलीवुड की तरफ से एक और लव स्टोरी फिल्म हमें देखने को मिल चुकी है और ये इस साल की तीसरी थिएटर रिलीज है जो कि लव स्टोरी है। पहली सत्य प्रेम की कथा और जरा हटके जरा बच के ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल कर चुकी है। और क्या करण जौहर की ये फिल्म रॉकी की रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा सकती है। और क्या करण जौहर की फिल्मों में से ये फिल्म सबसे अच्छी बनकर आई है, जिसमें हमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी और भी काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर देखने को मिले जो फिल्म में काफी अच्छा काम करते हैं। और क्या ये फिल्म वही मजा देती है जो पुरानी करण जौहर की फिल्में देती थी, जैसे कि ए दिले मुश्किल जो कि ऑल टाइम मेरी फेवरेट मूवी में आती है। तो कैसी है ये फिल्म, आइए जानते। तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, घर ये रिश्ता खत्म हो चुका है। करण जौहर बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टरों में से हैं जो बिग बजट मूवीज को डायरेक्ट करते हैं और उन्होंने अभी तक जितने भी फिल्में डायरेक्ट की है वो सारी हिट ही रही हैं। यहाँ तक कि उनकी लास्ट फिल्म 6 साल पहले आई थी ए दिले मुश्किल, जो कि शिवाय के टक्कर में उतरी थी और वो शिवाय से ज्यादा कलेक्शन करके गई थी। वहीं ये फिल्म भी एक रिच फैमिली को दिखाती है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मिडिल क्लास लोग रिलेट कर पाओ कि अस भाई अस, ऐसा आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये करण जौहर की फिल्म है जिसमें आपको बड़े बड़े सेट देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी फैमिली देखने को मिलेगी और बहुत पैसा होगा उनके पास जो अपने पास नहीं है। अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो रॉकी रंधावा जो कि एक पंजाबी लड़का है और रानी चटर्जी जो कि एक बंगाली लड़की है, ये दोनों अपने पुराने दादा और दादी की लव स्टोरी को मिलाने में खुद की लव स्टोरी में फंस जाते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को मनाने के लिए जो भी केओस होता है वो हमें फिल्म में देखने को मिलता है, जिसमें ड्रामा, लव स्टोरी, इमोशन, कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगी जो काफी मजा भी देती है। अगर फिल्म की अच्छी बातों की बात कर ली जाए तो फिल्म की कॉमेडी काफी बढ़िया है जो कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर रॉकी रंधावा को एक दम दिखाने में दिखाती है, लेकिन उसकी बॉडी काफी कमाल की है लेकिन एक बार भी नहीं दिखाया कि उसने जिम कहाँ करा है, बता देते यार। फिल्म की कॉमेडी काफी अच्छी है जो आपको काफी एंटरटेन करती है और यहाँ तक कि कुछ जगहों पे तो आप ताली बजा कर भी हंस सकते हो। फिल्म के अंदर 7 गाने हैं जो कि गाने फील तो होते हैं बड़े बड़े लेकिन एक भी गाना ऐसा नहीं है जो याद रह पाए। यहाँ तक कि तुम क्या मिले और झुमका आपको सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा याद है क्योंकि वो रील्स में आपके आता जा रहा है, अगर वो नहीं आता तो क्या आपने किसी को इसे गुनगुनाते हुए देखा है। और फिल्म के अंदर जो ओल्ड गानों का यूज किया गया है वो काफी बढ़िया लगता है और उन गानों को सुनकर जो नॉस्टैल्जिया फील होता है और धर्मेंद्र वाली जो वाइब आती है वो काफी अच्छा लगता है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। फिल्म की एक और अच्छी बात की जाए, इसके अंदर सोशल मैसेज काफी ज्यादा दिए गए। एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं करण जौहर की पिक्चर देख रहा हूँ या कोई सोशल मैसेज देखने आया हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सोशल मैसेज है जो आपको सीखने के लिए काफी बढ़िया लगते हैं। जहां तक कि वो ब्रह वाला सीन, उस सीन के लिए मैं स्पीचलेस हूँ क्योंकि आपने भी कभी गाया होगा कि चोली के पीछे क्या है, तो फिल्म देखो तब आपको पता चलेगा कि क्या है। फिल्म की स्टोरी को अच्छी तरीके से अच्छे टाइम देकर एस्टेब्लिश किया गया है, कुछ भी चीजें काटी नहीं गई है। वहीं जया बच्चन का जो बैग है वो अच्छा देखने को मिला है, वहीं धर्मेंद्र और शबाना आजमी की जो लव स्टोरी दिखाई गई है उसमें भी थोड़ा एंगेजमेंट आता है, जिसे डायरेक्शन के हिसाब से करण जौहर ने काफी अच्छे से डायरेक्ट किया है। फिल्म के अंदर कुछ चीजें लॉजिकली फिट नहीं बैठती है और वहीं इसमें जो इमोशन दिखाया गया है वो टच तो होता है लेकिन फील नहीं होता, मतलब वो इतना सा आके और रुक जाता है कि आंसू आ जाए, लेकिन उसने कोशिश पूरी की है। लेकिन जिसे आप किसी को कॉमेडी में देखते हो और वो इमोशनल होता है तो इतना इमोशनली फील नहीं होता है, जो आपने भी नोटिस किया होगा। अगर फिल्म में परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रणवीर सिंह ने काफी अच्छा काम किया है, आलिया भट्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, जया बच्चन अपने रोल में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर स्पेशली मेंशन किया जाए तो रणवीर कपूर के जो पिताजी हैं और आलिया भट्ट के जो पिताजी जो कथक डांसर बने उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है और उनके लिए एक बिग थम्स अप। ओवरऑल काम तो सभी ने अच्छा किया है लेकिन जो रणवीर सिंह के ट्रेनर बने हैं कम दोस्त बने उसने काफी ओवर एक्टिंग की है और दिख भी रहा था, शायद उसका कैरेक्टर ही ऐसा दिया गया हो। फिल्म 2 घंटे 45 मिनट की, ओवरऑल मान के चले कि 3 घंटे की, जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 लिप किस दिखाए गए हैं और एक तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ इसे देख सकते हो तो आप बिल्कुल जाकर फैमिली के साथ इसे देख सकते हो और एंटरटेन हो सकते हो। ओवरऑल ये 1 time watch है और इसे एक बार देखा जा सकता है जो कि टिपिकल है और ये ऐसी कोई सी मास्टरपीस फिल्म नहीं है जो हमने कभी नहीं देखी हो या नहीं सुनी हो और इसका कोई टॉपिक भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, यूनिक है कि ये दोनों अपनी फैमिली को मनाने के लिए 3 महीने के लिए इधर से उधर पलटी मारते हैं, जो कि पहले भी कभी देखा होगा अपनी फैमिली को मनाने के लिए। और करण जौहर की ये 1 of the best फिल्म नहीं है, ये एक टिपिकल रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म है जिसे एक बार देखकर भुला दिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सिंगल है तो इसे अकेले देखने तो बिल्कुल मत जाना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना या अपने दोस्त के साथ, क्योंकि मैं तो रिव्यूअर हूँ तो मैं तो जा सकता हूँ।
अकेले जाओगे तो बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर आपने नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मैंने कुछ कमी हो या आपने फिल्म देखी हो और आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने गदर 2 और बवाल मूवी के ऊपर बात की है। बवाल मूवी काफी बढ़िया है, जिसे आपको एक बार देखना चाहिए, तो इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर मैं काफी स्टोरीज और अपने ट्वीट्स डालते रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।